बेगम जान की कहानी उस दौर की है जब भारत आजाद हुआ था और विभाजन की रेखा खींची जा रही थी। यह रेखा बेगम जान के कोठे के बीच से जाती है, यानी आधा कोठा भारत में और आधा पाकिस्तान में। बेगम जान कोठा छोड़ना नहीं चाहती। दो पार्टियों के नेता हरिप्रसाद और इलियास बेगम जान पर पुलिस के जरिए दबाव बनाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। आखिरकार कोठा खाली कराने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। बेगम जान देखते समय आपको श्याम बेनेगल की मंडी और केतन मेहता की मिर्च मसाला जैसी फिल्में याद आती हैं। ये दोनों फिल्में मास्टरपीस हैं और बेगम जान इनके पास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कहानी, स्क्रिप्ट और निर्देशन की कमियां समय समय पर उभरती रहती है। श्रीजीत मुखर्जी ने ही इन सारे विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। कहानी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि बेगम जान आखिर क्यों अपना कोठा खाली नहीं करना चाहती। माना कि बेगम जान और उसके लिए काम करने वाली स्त्रियों को डर रहता है कि समाज उन्हें अपनाएगा नहीं और उनका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है, लेकिन विभाजन के लिए कई लोगों को अपने मकान और जमीन का बलिदान करना पड़ा। सरकारी अधिकारी और पुलिस बेगम जान से उसका कोठा आसानी से खाली करवा सकते थे। इस काम के लिए गुंडे की मदद लेना और हिंसा का रास्ता अपनाने वाली बात हजम नहीं होती। केवल बेगम जान को हीरो की तरह पेश करने के लिए यह सब तामझाम किया गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट मेलोड्रामा से भरी हुई है। ड्रामा अति का शिकार और लाउड है। ऐसा लगा कि सिर्फ ऐसे सीन और संवाद लिखे गए हैं जो दर्शकों पर असर छोड़े, लेकिन इन्हें कहानी में ठीक से पिरोया नहीं गया है। इस कारण से ये सीन बचकाने लगते हैं। बिना किसी आधार के हर किरदार बड़ी बड़ी बातें बोलता है और व्यवहार करता है। साथ ही बहुत सारी बातें इस फिल्म में समेटने की कोशिश की गई है जो गैर जरूरी भी लगती है। निर्देशक के रूप में श्रीजीत मुखर्जी फैसला नहीं कर पाए कि वे अपना प्रस्तुतिकरण वास्तविकता के निकट रखें या कमर्शियल फिल्म बनाएं, और यह दुविधा पूरी फिल्म में नजर आती है। वे अपनी ही लिखी कहानी को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए। कहानी को उन्होंने रजिया सुल्तान, मीरा, झांसी की रानी के कारनामों से जोड़ने की फिजूल कोशिश की है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी कई बार अजीब लगती है। खासतौर पर हरिप्रसाद और इलियास के चेहरे कई बार आधे दिखाए गए हैं। यह जताने की कोशिश की गई है कि बंटवारे के कारण चेहरा भी आधा हो गया है, लेकिन बार बार इस तरह के आधे चेहरे स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए अच्छा अनुभव नहीं कहा जा सकता। फिल्म का संपादन भी ढंग का नहीं है और देखते समय दर्शक लगातार झटके महसूस करता है। विद्या बालन अपने अभिनय से फिल्म का स्तर उठाने की कोशिश पुरजोर तरीके से करती हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और निर्देशन उनका कब तक साथ देता। उनके सारे प्रयास बेकार साबित होते हैं। फिल्म में कई प्रतिभाशाली कलाकार हैं, लेकिन उनका ठीक से उपयोग निर्देशक नहीं कर पाए। नसरुद्दीन शाह का रोल छोटा और महत्वहीन है। कबीर नामक विलेन के रूप में चंकी पांडे अपना असर छोड़ते हैं। फिल्म के गाने अच्छे हैं। कमजोर स्क्रिप्ट और निर्देशन बेगम जान में जान नहीं डाल पाए। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।